इतनी अच्छी स्कीम है ये, जैसा इन्होंने बताया 13 जून पिछले साल 2023 को इस स्कीम को पास किया गया था और इसे तो तुरंत लागू कर देना चाहिए था। 8 महीने हो गए आज, 8 महीने हो गए हमें इन अफसरों के और इनके वो करते करते, लेकिन इन्होंने करने से मना कर दिया। आज स्थिति यह है कि इस स्कीम को कैबिनेट में लाना है, कैबिनेट पास करेगी तब ये स्कीम लागू होगी। इसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी को इस पे अपने कमेंट्स देने हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सोचो किसी अफसर की हिम्मत है, उसने फाइल पे लिख दिया फाइनेंस सेक्रेटरी ने मैं कमेंट्स नहीं देता। मैं भिदूरी जी कह रहे थे मेरे से सीख लो, जरा सिखाओ अब उसका क्या करें हम। तो मैं बाद में मिल लूंगा, चाय पे आना, चाय पे बता देना कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सौरभ भारद्वाज जी यूडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूडी सेक्रेटरी को लिखित आदेश दिया कि इसको प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए। यूडी सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं इसको कैबिनेट में नहीं लाता जब तक फाइनेंस सेक्रेटरी कमेंट्स नहीं देगा। फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा मैं कमेंट्स नहीं दूंगा, यूडी सेक्रेटरी कह रहा है जब तक ये कमेंट्स नहीं देगा मैं। तो हमने इन दोनों को और भी अफसरों को बुलाया, इन मंत्रियों ने, इन्होंने मेरे को बताया मंत्रियों ने कि क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो अध्यक्ष महोदय आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक दो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के फूट फूट के रोने लग गए, आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से। ये उम्र रोने की नहीं है, एक आईएएस अफसर को इस तरह से मैंने रोते हुए नहीं देखा। फूट फूट के रोने लग गए, बोले जी हमारी नौकरी का सवाल है, हमें धमकी दी जा रही है। हमने कहा कौन दे रहा है, कहता हायर अप्स। हायर अप्स का क्या मतलब है आप लोग सोच सकते हो, ऊंचे से हमको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी दिल्ली वालों के लिए तो तुमको सस्पेंड कर देंगे, अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी। इसलिए इतना लड़ रहे हैं, सर्विसेज करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं ये सर्विस, नीयत खराब है इन लोगों की, सर्विसेज चाहिए सर्विसेज। इसीलिए उनको धमकी दी जा रही है, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे को जेल भेज देंगे, ईडी सीबीआई छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।